वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर थे बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकामा। चलिए बात करते हैं अक्षय कुमार, कृति सनन, जैकलीन फर्नांडिस, अर्शद वासी, स्टार ऑफ फिल्म बच्चन पांडे के बारे में। अब हमारे हिंदी फिल्मों में राइट सिंस द ब्लैक एंड व्हाइट एरा कई साउथ की फिल्मों को रीमेक करके यहाँ पर बनाया जाते आ रहा है। वैसे ये चलन वहां पर भी होता आ रहा है, एज वहां पर भी राइट सिंस द ब्लैक एंड व्हाइट एरा कई हिंदी फिल्मों को रीमेक किया जाते आ रहा है। मैक्सिमम एक्टरों की फिल्में साउथ की किसी ना किसी फिल्म की रीमेक रही ही रहे। अगर हम अक्षय कुमार की बात करेंगे तो उनकी भी कई हिंदी फिल्में साउथ की फिल्मों की रीमेक रही है। उनकी कई फिल्में जैसे कि हेरा फेरी, गब्बर, राउडी राठौड़, लक्ष्मी, भूल भुलैया, गरम मसाला, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, मेरी बीवी का जवाब नहीं, इंसान, भागम भाग, खट्टा मीठा, बॉस एंड फ्यूमो। बच्चन पांडे भी एक ऐसी रीमेक है ऑफ अ सुपर हिट तमिल फिल्म जिगर ठंडा। तो चलिए जानते हैं कि क्या बच्चन पांडे हमें एक और आउट एंड आउट एंटरटेनर देने में कामयाब होगी, क्योंकि ट्रेलर तो काफी मजेदार था, सो एक्सपेक्टेशंस तो है ही। या फिर माइट बी एक और रीमेक जो कि राइट वे में हिंदी में अडेप्ट नहीं हो पाई। बच्चन पांडे फिल्म की कहानी एक असिस्टेंट डायरेक्टर मायरा यानी कि कृति सनन की, जो कि एक गैंगस्टर पे बायोपिक बनाना चाहती है, और वो अपनी फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर बच्चन पांडे यानी कि अक्षय कुमार के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहती है। लेकिन बच्चन पांडे और उनके साथी काफी खतरनाक है, तो इसीलिए मायरा एक छोटे मोटे एक्टर विशु यानी कि अर्शद वारसी की मदद से बच्चन पांडे के बारे में जानना शुरू करती है। अब कैसे मायरा बच्चन पांडे और उनके साथियों के बारे में क्या क्या जानती है और उसके बाद क्या होता है, वही तो फिल्म की आगे की कहानी। अब कहानी तो जैसे कि मैंने बताया साउथ की एक सुपरहिट फिल्म जिगर ठंडा की रीमेक है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस किए गए इन ऑर्डर टू मैच अप टू हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस सेंसिबिलिटीज। ऑल्सो आपको सनी देओल, प्रीति जिंटा, अमीषा पटेल एंड इवन अर्शद वासी स्टार एक फिल्म भैयाजी सुपरहिट की भी थोड़ी बहुत याद आएगी। फिल्म को काफी स्टाइलिश अंदाज में प्रेजेंट किया गया है और फिल्म में कई मजेदार सीन्स भी है, जैसे कि अर्शद वासी का जो एंट्री सीन है फॉलोड बाय अक्षय एक्शन इन द सॉन्ग मार खाएगा, उसके बाद अक्षय के साथियों का इंट्रोडक्शन वाला पूरा ट्रैक काफी मजेदार भी है। सारस कुमार शुक्ला एज जो के कांडी बने इस फिल्म में, उनका और अर्शद का एक छोटा सा सीन है डीवीडी ट्रैक वाला, वो भी काफी फनी है। अर्शद वारसी एंड कृति सनन प्रेजिंग प्रतीक बब्बर, ये सब सीन्स फर्स्ट हाफ को थोड़ा बहुत मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि फिल्म का ट्रेलर आउट एंड आउट एक्शन कॉमेडी प्रॉमिस करता है और यहाँ पर एक्शन सिर्फ एक गाने में है और उसके बाद कुछ खास है ही नहीं, इनफैक्ट ना के बराबर। Also, the comedy works in parts, and that too all thanks to Arshad Varsi. साथ ही screenplay काफी predictable है और plot को establish करने में भी काफी time लेता है। Luckily, second half में Pankaj Tripathi को introduce किया जाता है। उनका छोटा सा track है, लेकिन काफी 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 मजेदार है, जहाँ पर वो acting के नौ रस किस तरह से display करते हैं। उसके बाद अक्षय और उनके साथी गुंडों को acting सिखाते हैं। ये सभी scenes बढ़िया है। काश ऐसे scenes और इस film में होते ना, तो मजा ही मजा आ जाता। सैडली पंकज त्रिपाठी के ट्रैक के बाद कॉमेडी ऑलमोस्ट पूरी तरह से गायब हो जाती है। हार्डली कोई सीन्स फनी है एंड अगेन एक्शन तो ना के बराबर है, और कई ऐसे सिचुएशंस है जहां पर एक्शन अच्छा हो सकता था बट नहीं है। इनफैक्ट फिल्म अपने लास्ट फेज में ड्रामा की ओर चली जाती है एंड माँ के इमोशंस वाला ट्रैक भी एड हो जाता है एंड ऑल दैट, जो कि फिल्म के फ्लो के साथ नहीं जाता है। हाँ, बीच में जैकलिन एंड अक्षय का रोमांटिक ट्रैक है जो कि डिसेंट है, लेकिन क्लाइमैक्स जो कि डिसेंट है थोड़ा सा प्रीची हो जाता है। हाँ, एंड क्रेडिट्स में अगेन थोड़ी सी लाफ्टर लौट के आ जाती है। काश ऐसे लाफ्टर वाले सीन्स और होते ना, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया और भी मजा आ जाता। अब डायलॉग्स की बात करेंगे तो कुछ जगहों पे फनी है बट अगेन यादगार नहीं। फिल्म को बढ़िया तरीके से शूट किया गया और एक बड़ी फिल्म वाली फील भी आती है इस फिल्म। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी आरडी बर्मन या कि पंचम दा के म्यूजिक की याद दिलाता है। मार खाएगा सॉन्ग तो ठीक है, पर उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस के मॉन्टाजेस है वो काफी कमाल के, पूरा एक्शन दिखाते ना तो और भी मजा आ जाता। मेरी जान इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, साथ ही सारे बोलो बेवफा इज अ सुपर हिट सॉन्ग विद गुड फन ऑन स्क्रीन। हाँ, हीर रांझा इज डीसेंट। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो फराज सामजी एक स्टाइलिश फिल्म तो लाकर देते हैं बट अपने ट्रेलर में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उतना डिलीवर नहीं कर पाते। दिस ऑल्सो शोज दैट हाउसफुल 4 में कई कॉमिकल सीन्स जो कि अच्छे थे माइट बी पूरी की पूरी तरह साजिद खान आइडिया, एज यहाँ पर फराद कॉमेडी में कुछ कुछ जगहों पे छाते तो है बट पूरी तरह से निचोड़ नहीं पाते। उन्होंने अच्छे एक्टरों को लिया है और शायद उसी के बनते फिल्म बुरी नहीं है बट डिसेंट बन जाती है एंड ऑल्सो हैड सम इंजॉयबल मोमेंट्स टू। ये फिल्म एक बढ़िया कॉमिकल एक्शन ड्रामा बन सकती थी बट खैर चलिए। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो अक्षय कुमार अपने इस खतरनाक अवतार में काफी शानदार लगे।
कुछ सीन्स में ही वॉक्स अवे विद टोटल स्वैग, बट वी हैव सीन हिम नेलिंग हिज कैरेक्टर्स इन मेनी सच टाइप ऑफ फिल्म्स, और यहाँ पर वीक राइटिंग के बनते उतना मजा नहीं आता है। अरशद वारसी अपने पार्ट में सुपर्ब है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ जहाँ पे मैक्सिमम लाफ्टर उन्हीं के बनते आते हैं, बट सैडली उन्हें सेकेंड हाफ में काफी मेलो डाउन कर दिया गया है, गॉड नोज वाई। अगर फर्स्ट हाफ की तरह उनका कैरेक्टर अगर सेकेंड हाफ में भी होता ना तो डबल मजा आ जाता। कृति सनन लुक्स गुड एंड डज अ पार्ट विद टोटल ग्रेस, बट हाँ, आफ्टर डिलीवरिंग फैंटास्टिक रोल इन मिमी, वन डज एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दिस टैलेंटेड एक्ट्रेस। जैकलिन फर्नांडिस अपने छोटे से रोल में डिसेंट है, पंकज त्रिपाठी सुपर अगेन, काश उनका रोल और बड़ा होता ना तो मजा ही मजा, डबल नहीं ट्रिपल हो जाता। अभिमन्यु सिंह, प्रतीक बब्बर, सारस कुमार शुक्ला अपने अपने रोल में डिसेंट है, और संजय मिश्रा का ट्रैक बढ़िया है, अगेन छोटा सा रोल है, अगर ये भी और बड़ा होता तो डबल मजा आ जाता। स्नेहल दाबी, मोहन अगाशे एंड अदर्स वर वेस्टेड इन दिस फिल्म। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे बच्चन पांडे वर्क्स मेनली ड्यू टू अक्षय, कृति, अर्शद एंड पंकज स्वैग एंड स्क्रीन प्रेजेंस। फिल्म जैसे कि मैंने बताया बुरी नहीं है एंड हैड ऑल पोटेंशियल टू बी अ ग्रेट एंटरटेनर, बट एंड्स अप एज अ वन टाइम डिसेंट वॉच ड्यू टू इट्स वीक राइटिंग एंड मिसलीडिंग ट्रेलर, जिसके बदले मैं इस फिल्म को मैक्सिमम 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। बट हाँ, फॉर ऑल अक्षय, अर्शद, कृति एंड इवन पंकज त्रिपाठी फैंस, इट्स अ 3.5 वाली फिल्म। सो ऑल यू अक्षय कुमार, प्रीति सनन, जैकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, पंकज त्रिपाठी फैंस टू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य, सोलकामा।